सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि देवयानंद सरस्वती तीसरे समोल्लास में लिखते हैं। एक और मैं यहाँ आपको बात बता देना चाहता हूं, यह शब्द भी पहली पुस्तक है जिसमें समोल्लास शब्द आया है। ठीक है ना, ना अध्याय होता है, अभ्यास होता है, चैप्टर होता है, वो सारे होते हैं, लेकिन इसमें समोल्लास है। समोल्लास का मतलब समान उल्लास बना रहे, कहीं आपका मन डिमोलाइज ना हो, एक पढ़ के खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरे का उल्लास आ गया है, समोल्लास है। सो तीसरे समोल्लास में लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य कौन कर्म कन कर कौन कौन कर सकता है, विद्यार्थी को, एक गृहस्थी को, एक वानप्रस्थी को, एक सन्यासी को, वास्तविक ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा है, ये उन्होंने बताया है। साथ में सत्यासत्य के ग्रंथों के नाम, कौन कौन से ग्रंथ सत्य हैं और कौन कौन से ग्रंथ असत्य हैं, यानी झूठे भी तो हो सकते हैं, तो कौन कौन से, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। आप ये मान लो कि एक हमने नोवेल पढ़ा है और एक हमने कोई बहुत अच्छी वेद की पुस्तक पढ़ी है, दोनों में अंतर होता है ना, तो एक पेज में हमें बहुत बड़ी नॉलेज मिल रही है और एक पूरी पुस्तक पढ़ने पर भी खाक नहीं हुआ। कहने का मतलब एक और है, एक विद्वान है जो थोड़ी देर में ही बहुत कुछ बताया जाता है, जीवन का सार बताया जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो 8 घंटे चिल्ला के चला जाता है और खाक समझ में नहीं आता है, होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ग्रंथ भी है हमारे जीवन में, क्या हमें हर एक पुस्तक को पढ़ना चाहिए, नहीं। तो सत्य कौन सी और असत्य कौन सी है, ये तर्क की कसौटी पर कैसे कसी जा सकती है, सत्य और असत्य की कसौटी पर कैसे इसे कस सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला वहां पर मिलता है इस समोल्लास में। और पढ़ने पढ़ाने की रीत क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ग्रंथ आपको मिल भी जाता है तो उसे पढ़ने के नियम क्या है, क्या वेद डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, क्या स्मृतियां डायरेक्ट पढ़ी जा सकती हैं, क्या आयुर्वेद डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है सीधा सीधा। तो पढ़ने में तो आप कोई विशेष बात नहीं है, आप कहेंगे क्यों नहीं, हम तो वेद पढ़ लेते हैं, हम तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, हम पर तो सब अंग्रेजी आती है, हम तो हिंदी भी आती है, हमें संस्कृत भी आती है, तो शब्द की बात नहीं है। आप समझिए, ऋषि ने एक एक शब्द को बड़ी अच्छे से समझा कर लिखा है कि उसमें छोटे आ से लेके ज्ञान तक, 1 से लेके 0 तक, 9 तक के अंक हैं, तो इन को मिलाना, शब्द को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शब्द का महत्व, शब्द को परिभाषित करना, ये बड़ी बात है। सो यदि आपने कोई मंत्र पढ़ लिया, क्योंकि अक्षर तो आप सीख गए ना पढ़ना, तो उसका वो कोई खास नहीं है, लेकिन सिद्ध करना, उसको सिद्ध करना अपने जीवन में, उसे उतारना, ये उसका महत्व होता है। सो आगे उसमें लिखते हैं ऋषि कि सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि धारण करने की अपेक्षा संतानों को विद्यादि आभूषण से अलंकृत करना क्यों आवश्यक है। भाई बच्चे मांगते हैं, महिलाएं मांगती हैं कि मुझे अंगूठी बनवा दो, मुझे चेन बनवा दो। अब चेन बनवा तो दी, लेकिन चेन खो गया। तो विद्या आभूषण कौन कौन से होने चाहिए, विद्या के आभूषण होने चाहिए, जहां पर सब जगह वो सत्कारित हो, व्यक्ति सम्मानित हो, लेकिन सोना चांदी पहन करके कितना होगा ये भी बताया है, उसमें बताया है सोना चांदी कब कब पहनाना चाहिए और कितना आवश्यक है, गहने कितने आवश्यक हैं, लेकिन इस तरह के गहने भी कहाँ कहाँ उसे पहनने चाहिए, किस आयु में संतानों को विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए
हमें उद्यत रहना चाहिए, अपने बच्चों को कितनी आयु में विद्यालय वास्तविक भेजना चाहिए। अब हमने तो अपने यहाँ देखा है कि कुछ कॉन्वेंट स्कूल हैं जिनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, और जिसमें हमारे वकील साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी शहर के लोग हैं, कि उनको एक खास डेट के अंदर एडमिशन चाहिए, तो उनके अनुसार बच्चे पैदा होने चाहिए, उतनी उम्र के होने चाहिए। तो क्या ये सही है? तो बच्चों को किस उम्र में विद्यालय भेजना चाहिए? ब्रह्मचर्य आश्रम में नेता का पुत्र हो या एक दरिद्र, सभी का समान वस्त्र, समान खान पान और समान आसन क्यों देना चाहिए? ये लिखा है, इन एक जैसा क्यों होना चाहिए? आपने देखा है ना, सुदामा भी उसी में पढ़े और श्री कृष्ण जी भी वहीं पढ़े, एक ही आश्रम के पढ़े हुए महर्षि संदीपनी के ही शिष्य थे दोनों। सो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र क्यों कहा है? कितने लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र गुरु मंत्र होता है? नहीं जानते? हाँ, ये गुंजन जी कह रही हैं, सुधीर जी कह रहे हैं, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र होता है। क्यों क्यों है? प्राणायाम के माध्यम से मन किस प्रकार वश में किया जा सकता है, ये ऋषि उसमें लिखते हैं। और ब्रह्म यज्ञ, देवी यज्ञ, पितृ यज्ञ, वल्वेश देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि पंच महायज्ञ क्यों करने चाहिए, और क्या हम इनको दैनिक जीवन में कर सकते हैं, ये भी बताया है। ऐसा नहीं कि ऋषियों की बात थी ये। सो इन पांचों यज्ञों को, ब्रह्म यज्ञ, देवी यज्ञ, पितृ यज्ञ, वल्वेश देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पांचों यज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए, और करते हैं। ये उसमें समझा के बताया है। आत्मा और शरीर की शुद्धि किस प्रकार की जा सकती है, ये महर्षि उसमें तीसरे संवल्लास में लिखते हैं। हवन करने से पृथ्वी, जल, वायु आदि की शुद्धि किस प्रकार होती है? क्या हवन धूत पोंगड़ा है या कोई वैज्ञानिक विधि है? इसको कभी कभी करना चाहिए या रोज करना चाहिए? क्या इसके करने से, क्या इसे हिंदू को ही करना चाहिए या इसे सभी मनुष्य मात्र को करना चाहिए? ये ऋषि ने उसमें विशेष वर्णन किया है वैज्ञानिक विधि के द्वारा। हवन करते समय कुछ लोगों ने कहा, ठीक है हवन तो कर लें, लेकिन मुसलमान कैसे करेंगे? तो उन्होंने पूछा कि क्या मंत्रोच्चारण आवश्यक है? तो हवन करते समय मंत्रोच्चारण करना क्यों आवश्यक है, क्यों मंत्र को बोले? हवन करने से घी और सुगंधित पदार्थों का क्या नाश होता है या नहीं होता है, यह भी बताया है। किसी ने कहा कि आप हवन में घी जलाते हैं, इससे तो किसी कमजोर व्यक्ति को दे दो, गरीब आदमी को दे दो, तो वो खा के पी के पुष्ट हो जाएगा। तो ये वास्तविक इसका साइंटिफिक लॉजिक नियम क्या है, ये भी ऋषि ने उसमें समझा के लिखा है। प्राचीन आर्यावर्त देश में ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग यज्ञ क्यों कराते थे? अच्छा ये बताओ, हमारे मोदी जी हैं, अब ये अलग लोकतंत्र बन गया, पता नहीं, कभी चक्रवर्ती साम्राज्य भी तो हुआ करता था। चक्रवर्ती साम्राज्य जब होता था तो भारत, बांग्ला, पाकिस्तान और ये सब, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब आर्यावर्त में कभी हुआ करते थे, और उस चक्रवर्ती राज्य में महायज्ञ हुआ करते थे, राजा के द्वारा होते थे ना, आप भी इन्होंने इतिहास में आपने पढ़ाई होगा, तो क्या अब नहीं हो सकते? और उसमें लोग आते थे और प्रेम से बातें हुआ करते थे। अब सम्मेलन तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, शार्क सम्मेलन होते हैं, कौन कौन से सम्मेलन होते हैं जी। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ आदि क्या किस
क्या इनके वास्तविक अर्थ हैं और ये यज्ञ क्या है ये बताया है। नरमेध को वास्तविक गलत परिभाषाएं कर दी लोगों ने कि नर को काट के चढ़ाना कोई ये थोड़ा ही है, उसमें नरमेध यज्ञ क्या है हाँ, और गौमेध यज्ञ क्या है, गौमेध यज्ञ का ये नहीं कि गाय को चढ़ा दो, उसमें शब्दों की परिभाषाएं जो स्वार्थी और कपटी छली व्यक्ति बीच में कुछ आए पेट पुजारी उन्होंने ऐसा कर दिया, तो इनकी वास्तविक परिभाषाएं क्या है ये उसमें उन्होंने बताया है, बड़े समझा कर बताया, साइंटिफिक बताया है। सो ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है ये भी हमें तीसरे समोल्लास में पढ़ने को मिलता है। यम, यम कौन कौन से, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपग्रह यम, और नियम कौन कौन से, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान आदि का पालन करना क्यों आवश्यक है। यदि हम योग रोज करते हैं तो यम नियम क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनको कैसे सिद्ध कर सकते हैं सरल भाषा में ये समझा के बताया है। नित्य हमारे जीवन में नित्य कर्म हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, तो ये नित्य कर्म है, तो नित्य कर्म क्यों आवश्यक है, सोच जाना क्यों आवश्यक है, संतोष करना क्यों आवश्यक है, स्वाध्याय करना क्यों आवश्यक है, ईश्वर प्रधान का क्या मतलब है, आयु विद्या कीर्ति और बल किस प्रकार बढ़ सकते हैं ये तीसरे समोल्लास में बताया है। साथ में स्वाध्याय से हमें क्या लाभ मिलता है, यदि हम रोज एक पेज पढ़ें और स्वाध्याय का मतलब क्या, वास्तविक अध्याय किसका होना चाहिए वो कैसे पढ़ें इसके बारे में बताया है। ब्रह्मचर्य के साधन कौन कौन से हैं सो वो बताए हैं। अध्यापकों के क्या क्या कर्तव्य हैं, जो यदि टीचर है कोई तो जरूर पढ़े तीसरे समोल्लास को, उसमें लिखा है कि अध्यापकों के क्या क्या कर्तव्य हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल गए घंटा बजा और पढ़ाया और फिर बज गया निकल आए और गले में घुस गए और आकर के खाना खा के सो गए, लेकिन वास्तविक क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक क्यों कहा गया, वेद में एक शब्द आया है ना नास्तिको वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक होता है, तो हम कहीं वेद निंदक तो नहीं है। अब वेद निंदक आपको समझ में आ जाएगा कि वेद की निंदा कैसे, जो वेद की बात नहीं माने वही तो निंदक है, मैं ओम प्रकाश सर की बात नहीं मानता तो इनकी निंदा करता हूं, यही तो है आज्ञा का पालन और आज्ञा का ना पालन, ना पालन करना निंदक है, तो वेद की आज्ञा क्या है ये इसमें समझाया गया है। धर्म और अधर्म किसे कहते हैं ये तीसरे समोल्लास में समझाया गया है। क्या ब्रह्मचर्य का पालन नियम स्त्री अथवा पुरुष दोनों को ही समान करना चाहिए या केवल पुरुष ही पुरुष करे, सत्य और असत्य की परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, इसके भी तो है ना, कोई ये कह दे कि मैं ये कह रहा हूं वो सही है, तो सत्य और असत्य की परीक्षा, परीक्षा पांच प्रकार से होती है, ये कैसे पांच प्रकार कौन कौन से हैं जो जिसकी जांच यानी परीक्षा इट मीन्स जांच, तो जांच पांच प्रकार से की जाती है, तो पृथ्वी में गंध, जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, कौन सी शक्ति को प्रतिपादित करता है, जो पंच तत्व है इनकी पांच तन्मात्राएं, ये तन्मात्राएं कौन सी शक्ति को प्रतिपादित करती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय रैतिक वायवी और ईशानी दिशा किसे कहते हैं, ये आठ दिशाएं होती हैं, पढ़िए किसी ने आठ दिशाएं, कितने लोग आठ दिशाएं को जानते हैं, आठ हाँ देखो ये बता रहे हैं हाँ आठ दिशाओं को जानते हैं और सुधीर गुड, सो इनके लिए तालियां। चार दिशाएं होती हैं और चार के बीच में चार चार और होती हैं, यानी एक एक और होती है हर एक के बीच में, सो आठ हो जाती है। क्या जाति भोग आयु परमात्मा प्रदत्त है, जात ठीक है, जो हम जात को जो मानते हैं क्या ये परमात्मा की दी हुई है या हमने बनाई है, भोग जो हम भोग रहे हैं ये परमात्मा का दिया हुआ है या हमारा किया हुआ है, आयु हमें परमात्मा से मिली है या हमारी शरीर की है, शास्त्र किसे कहते हैं, स्वतः और परतः प्रमाण में क्या अंतर है, किसी भी ग्रंथ की सत्य और असत्य की परीक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, कोई आप लोगों को पुस्तक ही मिल गई तो सही है या गलत है ये कैसे जांच करेंगे,
भारत के प्राचीन काल की वैदिक शिक्षा का आधुनिक शिक्षा के साथ किस प्रकार पाठ्यक्रम होना चाहिए ये बताया जाएगा। इसमें अभी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जो मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये तीसरा समोल्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रहों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, सबके बारे में इसमें बताया है। सो कल और आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद आपका।